मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सुबह के बज रहे हैं लगभग 8:30 और मैंने यहाँ पे अपने घर का काम निपटा के अब मैं आ गई हूँ दुकान में। और जो भी कपड़े कटिंग करने हैं आज मैं सारा वही काम करने वाली हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, कटिंग नहीं कर पाई मैं। और जितने भी कटिंग करके रखे थे वो सारे मैंने कटिंग करके स्टिच कर दिए। और अब देखिए सारा काम पेंडिंग मेरा हो गया है। 3-4 दिन मैंने कोई काम नहीं किया, तो यहाँ पर देखिए मैं अपनी डायरी लेके बैठ गई हूँ। और जो मुझे कपड़े स्टिच करने हैं, ब्लाउज स्टिच करने हैं, उससे पहले उन ब्लाउजों की यहाँ पर नाप में नोट करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं नाप नोट कर रही हूँ कमर से, और इसके बाद में इसको हाथ के हाथ में डायरी पर नोट करती जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो पूरे ही ब्लाउज़ की मैं यहाँ पर नाप जो भी नाप है इसकी नोट कर ले रही हूँ। और कभी कभी क्या होता है, मैं नाप नोट कर लेती हूँ और नाम डालना भूल जाती हूँ, और बाद में मुझे कन्फ्यूज़न होती है कि मैंने नाप नोट किया है तो किसका नोट किया है। क्योंकि असल में ऐसा होता है कभी कभी कि कस्टमर तुरंत अपने कपड़े लेके चले जाते हैं नाप नोट करा के, और मैं नाप तो नोट कर लेती हूँ लेकिन नाम डालना भूल जाती हूँ। फिर मुझे याद आता है मैंने कौन सी डेट को दिया था, तो वो डेट मैं चेक करती हूँ, तो इस तरह से कन्फ्यूज़न हो जाती है। क्या अगर आप भी सिलाई का काम करते हैं तो क्या आपके साथ भी ऐसे ही होता है? तो मैं क्या करती हूँ, अब ये गलती मुझसे पहले कई बार हुई थी, तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं हाथ के हाथ नाप नोट करती हूँ। और ये देखिए मैंने नाप नोट कर लिया, और यहाँ पर इस ब्लाउज़ को इस तरह से मैं कटिंग करूँगी। तो आज की पूरी वीडियो मेरी जो है वो कटिंग की होने वाली है, क्योंकि जब कपड़े कटिंग नहीं होंगे तो हम स्टिच कैसे करेंगे। और मैं अपना काम जो है होम बुटीक से ही करती हूँ, घर से ही करती हूँ, और मुझे लगभग 5 साल हो गए यहाँ पर बुटीक चलाते हुए घर पर। अगर आप भी सिलाई का काम करती हैं तो आप भी अपना बुटीक चला सकते हैं, घर से काम शुरू कर सकते हैं। और अगर आप बुटीक नहीं चलाना चाहते तो भी आप घर से सिलाई का काम आराम से कर सकते हैं। तो घर पे सिलाई करने का एक फ़ायदा ये है कि हमें कहीं जाने का वो नहीं रहता है, आराम से हम घर को भी देख सकते हैं, और अपने फैमिली की सारी जिम्मेदारी को पूरे करते करते हम अपनी सिलाई का काम भी कर सकते हैं, 4 पैसे भी हम अपने लिए बचा सकते हैं, और हमें कोई टेंशन भी नहीं रहती है सिलाई के काम में। एक आराम मुझे ये सबसे ज़्यादा ये लगता है कि हम अपना काम भी कर सकते हैं, और हमें किसी की पाबंदी की भी कोई वो नहीं रहती है कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। और अपने हिसाब से आपको लगे कि हाँ आप जल्दी अगर काम करके दे सकते हैं तो आप जल्दी वाला लीजिए, और अगर आपको लगता है आप जल्दी वाला नहीं कर सकते तो आप कस्टमर को पहले ही बोल सकते हैं कि हाँ हमें 8 दिन का टाइम चाहिए या 6 दिन का टाइम चाहिए, उसी के हिसाब से आप कपड़े स्टिच करके दे सकते हैं। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा आराम यही लगता है कि हम अपने मन मुताबिक अपना काम कर सकते हैं, या असल में कोई काम हमारा ऐसा होता है जिस वजह से हम लेट हो जाते हैं तो इतना टाइम हमारे पास प्रॉपर होता है। और मेरा साथ तो ऐसा ही होता है कि कपड़े मेरे पास आ जाते हैं और जो पहले के कपड़े होते हैं वही कपड़े तैयार करने में टाइम हो जाता है, तो 8 दिन कब चले जाते हैं पता ही नहीं लगता। तो मैं तो 8 से 10 दिन पहले से कपड़े लेती ही नहीं हूँ, और 8 दिन के कपड़े लेने के बाद भी अगर मैं तैयार नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हो ही जाता है, मैं अकेली रहती हूँ, आप सभी को पता है कि मैं अकेले रहती हूँ, तो अकेले रहने के साथ साथ मुझे घर के भी काम होते हैं, मार्केट के भी काम होते हैं, साथ साथ मेरा सिलाई का काम तो है ही है और मेरा बुटीक भी है जो भी आपको पता ही है। तो मार्केट से सामान लाना है, घर के लिए भी अपना ग्रॉसरी का या सब्ज़ी वगैरह लेके आनी होती है, तो ये सारा मुझे ही करना पड़ता है। अभी नंदिनी इतनी बड़ी नहीं है कि मैं उससे बोल पाऊँ, तो इसलिए मेरा तो काम लेट हो जाता है 1 से 2 दिन। और कभी कभी तबीयत भी कभी कोई पता नहीं रहता है कब ख़राब हो जाए क्या हो जाए, तो मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना काम टाइम पे करूँ, और जो मेरे कस्टमर हैं वो भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, अगर लेट हो भी जाते हैं तो जल्दी नहीं कुछ कहते हैं। लेकिन हाँ, अगर फेस्टिवल सीजन होता है तो हमें काम जो है प्रॉपर टाइम पे करके देना होता है, तो इसलिए हम 8 से 10 दिन का टाइम अगर लेके चलते हैं तो हमें वो टेंशन नहीं रहती है, जिससे कि अगर 2 या 1-2 दिन हमारा बीच में गैप भी हो जाता है तो हम प्रॉपर टाइम से उनको कपड़े दे पाएँ। तो मेरा लेट होने का रीज़न सिर्फ यही होता है कि कपड़े तो मेरे सिल जाते हैं, स्टिच हो जाते हैं, लेकिन मेन काम जो रह जाता है वो रह जाता है तुरपाई का, तो इसलिए मुझे तुरपाई करने में टाइम लगता है। और मेरी मम्मी यहाँ पर तुरपाई करती हैं, बेटी भी कर देती है, नंदनी भी, और उसकी पढ़ाई की वजह से वो ज़्यादा नहीं करती है। तो यहाँ देखिए इसी तरह से बातों में मेरे यहाँ पर ब्लाउज़ कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पर हम करेंगे स्लीव की कटिंग। तो देखिए कपड़े को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है, फिर यहाँ पर मैं 4 फोल्ड में इसका रख ले रही हूँ। और जो कपड़े की सबसे पहले हमारी स्लीव की जो लेंथ है वो हम यहाँ पर मार्क करेंगे, एक्स्ट्रा लगाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पर हम स्लीव का शेप डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करते टाइम बेल का नोटिफिकेशन ऑल है उस पर क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर स्लीव पे मैंने मार्किंग कर दी है, और इस तरह से हमारी
स्लिप की कटिंग हो चुकी है, अब ये बचा इसमें कपड़ा, यहाँ पर हमें कटिंग करनी है पाइपिंग की और आगे की हुक पट्टियों की। तो सुबह का काम मैं निपटा लेती हूँ, सुबह 10 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ अगर कितना भी लेट होता है, और बाई चांस तो काफ़ी लेट हो जाती हूँ क्योंकि संडे वाला दिन तो मेरा बहुत बिजी रहता है तो टाइम का पता ही नहीं लगता। तो लगभग 10:30 बजे तक मैं अपना काम कर लेती हूँ, फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं बैठती हूँ सिलाई पे। और उसके बाद नंदिनी के स्कूल से आने का टाइम हो जाता है तो 1 घंटा मैं बीच में रेस्ट करती हूँ। इस तरह से मेरा सारा काम हो जाता है और पूरा शेड्यूल मेरा इस तरह से फिक्स हो जाता है, पता ही नहीं लगता कि सुबह वो कब हुई और कब शाम हुई, काम करते ही करते इसी तरह से हो जाता है। और अभी भी देखिए मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ और लगभग यहाँ पर मुझे 1 घंटा हो गया, क्योंकि बीच बीच में कस्टमर भी आ जाते हैं तो उनको भी देखना होता है। पहले मैंने अपनी दुकान में चूड़ियों का काम रखा था लेकिन चूड़ियों में झंझट बहुत होती है तो मैंने इसलिए चूड़ियों का काम बंद कर दिया। अब मैं सिर्फ यहाँ पर कॉस्मेटिक के जो डेली यूज़ के नीड्स के काम होते हैं, सामान होता है, बस वही रखती हूँ, जिससे कि मुझे कम टाइम वेस्ट हो मेरा कस्टमर के आने जाने में। और अब देखिए मैं देख रही हूँ दूसरा ब्लाउज जो मुझे कौन सा स्टिच करना है, जो काफ़ी टाइम पहले के हैं, सबसे पहले मैं वही यहाँ पर देख रही हूँ। देखिए ये सूट है, ये भी सूट मुझे कटिंग करना है तो सूट को मैं अभी बाद में कटिंग करूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये ब्लाउज ले रही हूँ। और इसके साथ में भी ये ब्लैक कलर का यहाँ पर नाप का है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नाप को नोट करूँगी, और नाप को नोट करने के बाद में फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। और इसके स्लीव में जो बनेगा वो डिज़ाइन बनेगा तो इसलिए थोड़ा सा मुझे ये भी देखना होता है कि कपड़ा हमारा किस तरह का है, कैसा है, हम कहाँ से उसको डिज़ाइन निकालेंगे, कितना कपड़ा हमें उसमें लगने वाला है, तो ये सारी चीज़ें कटिंग करने से पहले हमें ध्यान रखनी होती है। अस्तर की हमारी लेंथ कितनी है, अस्तर हैवी साइज़ में कितना बचेगा या नहीं बचेगा, कहाँ से जॉइंट लगाना है, तो ये सारी बातें ही ध्यान रखनी पड़ती हैं कटिंग से पहले। इसलिए मैं जो कटिंग करती हूँ वो फ्री टाइम पे करती हूँ, या तो मैं दिन में अगर मुझे सिलाई नहीं करनी होती है तब मैं कटिंग करती हूँ, नंदिनी के आने से पहले पहले कर लेती हूँ कटिंग, जिससे कि यह है कि वो भी अपनी बातें बोलती है कि ये वो, अपने भी स्कूल की बताती है, अपनी दिनचर्या बताती है तो थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब होता है। तो मैं कटिंग जो है वो फ्री टाइम में फ्री माइंड से करती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम भी लगता है, या फिर मैं कटिंग करती हूँ रात के टाइम पे, क्योंकि रात के टाइम पे हमें इतनी टेंशन नहीं रहती है। अगर दुकान पे मैं कटिंग कर रही हूँ, मेरा ध्यान अगर दुकान पे कस्टमर आ गए तो उसमें भी लग जाता है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए मुझे कटिंग करनी होती है। और साथ साथ वीडियो भी बनाना होता है तो मुझे उसका भी ध्यान रखना होता है। अब देखिए यहाँ पर ब्लाउज़ की हमारी नाप यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले कटिंग करूँगी अस्तर पे, और सारी ही नाप को मैं यहाँ पर फिर से चेक कर ले रही हूँ कि हमें किस तरह से यहाँ पर कितना मेजरमेंट लेना है, किस हिसाब से हमें डिज़ाइन निकालनी है। तो मैं यहाँ पर नाप को यहाँ पर चेक कर रही हूँ, अब इसके बाद में मैं यहाँ पर की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे अस्तर पे, और ये देखिए यहाँ से मैंने नंदिनी से बोला कि इसके साथ के जो कपड़े थे वो दूसरी साइड में रखे थे, वो मैंने उसको मांगे हैं यहाँ पर, और अब मैं यहाँ पर अस्तर पे इसकी मार्किंग करूँगी और इस पर इसकी कटिंग करूँगी। और मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि मेरे पास इसी साइज़ के 3 ब्लाउज आए थे, सेम साइज़ के ब्लाउज हैं जिनकी कटिंग मैं सोच रही हूँ एक ही साथ अस्तर पे कर दूँ, जिससे कि मेरा टाइम भी बचेगा और मुझे कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। जो भी 1-2 इंच का यहाँ पर डिफरेंस होगा वो मैं जब सिलाई करूँगी, फिटिंग लगाऊंगी तो उसमें उसको एडजस्ट कर लूँगी। तो इससे क्या होगा, 2 फायदे होंगे, एक तो हमें सेम साइज़ में कटिंग हमारी कम टाइम में हो जाएगी और हमें ज़्यादा दोबारा से मार्किंग नहीं करनी पड़ेगी, कपड़ा हमें नहीं फोल्ड करना पड़ेगा। तो जब भी मेरे पास सेम साइज़ के ब्लाउज आते हैं या सूट आते हैं उन सबको मैं एक साथ ही यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ। अगर 4 ब्लाउज पीस है तो चारों ही अस्तर को हम एक साथ रख लेते हैं, और सबसे पहले क्या करती हूँ मैं एक ब्लाउज को यहाँ पर कट करती हूँ और उसके बाद में जो 3 रह जाते हैं उनके ऊपर उसको रखते हुए सेट करते हुए उसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो मेरे जो 3 ब्लाउज का जो टाइम होता है वो मेरा बच जाता है, और यही चीज़ मैं यहाँ पर चेक कर रही थी। तो सबसे पहले यहाँ पर मेन ब्लाउज जो मैं कट कर रही हूँ, ये मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ, और ये तीनों ही जो ब्लाउज जो हैं 3 या 4 उनकी डीप नेक में है, तो डीप नेक के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इसमें शोल्डर का नाप लगा रही हूँ, आर्म होल का लगाया है मैंने नाप, और यहाँ पर शोल्डर आर्म होल के बाद में चेस्ट का 4th पार्ट ले लिया है और इस तरह से आर्म होल का शेप डाल दिया है। यहाँ पर लगा रही हूँ मैं गले का नाप। तो फ्रेंड्स मुझे लगभग हो गए हैं 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं, जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तभी मैं सिलाई करती थी, और उस टाइम पे मैं अपना ही घर का काम करती थी, घर के ही सिलाई करती थी या आस पड़ोस के जो भी लोग होते थे उनके कपड़े सिलती थी। धीरे धीरे फिर मेरा काम सबको पसंद आने लगा और मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट होने लगा, तब तक मेरे बच्चे भी थोड़े से बड़े हो गए और मुझे अपने लिए टाइम जो होता था दोपहर का वो मेरा थोड़ा सा फ्री हो जाता था। तो मुझे सिलाई का सच में बहुत शौक़ है, और मुझे अगर दिन में टाइम नहीं मिलता था तो मैं रात को सिलाई करती थी। तो इस तरह से ये सिलाई मेरे एक मेरा एक शौक़ है,
और जो शौक मेरा आज एक आमदनी का जरिया मेरे लिए बन गया है। और मैं तो कहती हूँ कि घर जो भी महिलाएं हैं उनको अपने लिए कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, करना चाहिए। और ये काम हमारा एक ऐसा है कि हम अपने लिए अपने मनपसंद के कपड़े जब चाहें तब सिल के पहन सकते हैं। मेरे साथ दिक्कत क्या होती थी, मुझे सिलाई का शौक कैसे लगा, इसकी डिटेल वीडियो मैं आपको कभी किसी और दिन शेयर करूँगी। आज के लिए फ़िलहाल मैं आपको यही शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में आप बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। यहाँ पर आई हैं मम्मी और मम्मी पूछ रही हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दिन में एक दो बार मम्मी के चक्कर जरूर लगते हैं और वैसे तो दोपहर में इधर ही रहती हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं बिजी भी होती हैं तब भी आती हैं। तो यहाँ पर वो मुझे दे रही हैं कुछ पैसे, पता नहीं कुछ सामान लिया था उसके हैं या किसी और बात के हैं, मुझे याद नहीं है। अब वो पैसे मैंने यहाँ डाल दिए हैं। और ख़ासकर जब मैं कटिंग करती हूँ तो मम्मी को पहले बोल देती हूँ कि ज़्यादा बातें मत किया करो, क्योंकि मेरा दिमाग जो है वो बातों में लग जाता है। और एक बार क्या हुआ, ऐसे ही बातें करते करते मैंने फ्रंट का और बैक का गला एक साथ कट कर दिया। अब बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो गई कि मैं करूँ तो करूँ क्या, और उसमें कपड़ा भी नहीं था। फिर मैंने क्या किया, जो साइड से आर्म होल वर्क की साइड से जो कपड़ा बचता है वो मैंने फिर डिज़ाइनिंग बना के बैक साइड से उसको फ्रंट क्या किया, और फ्रंट वाला जो था वो मैंने बैक में किया। इससे क्या हुआ, हमारे ब्लाउज़ की जो लेंथ छोटी हो गई थी वो फिर मैंने कवर करने के बाद में उसको कंप्लीट किया। जैसे तैसे वो पूरा हो तो गया, लेकिन हाँ बनने के बाद में लग नहीं रहा था कि वो मुझसे गलती से ऐसा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने उसको ठीक कर दिया। अब ये सारा टाइम क्यों हुआ, क्यों इतनी मुझे मेहनत करनी पड़ी, सिर्फ इसलिए कि जब मैं कटिंग कर रही थी तो मेरा ध्यान कहीं और था। इसलिए अब मैं उस गलती को दोबारा से नहीं दोहराती हूँ, और जब भी मैं कटिंग करती हूँ तभी बिल्कुल फ्रेश माइंड से करती हूँ, जिससे कि मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। या तो मैं सुबह के टाइम पे करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे हमारा माइंड फ्रेश रहता है, काम से फ्री हो जाते हैं तो इतना कोई वो नहीं रहता है। या तो मैं उस टाइम पे करती हूँ, सुबह के टाइम पे कस्टमर भी कम आते हैं, या फिर करती हूँ मैं रात के टाइम पे, क्योंकि रात के टाइम पे भी बिल्कुल फ्री माइंड होता है। और दुकान को बंद कर देती हूँ मैं, अपने बुटीक को जब बंद कर देती हूँ तब मैं वहाँ पे कटिंग करती हूँ। तो इसलिए मेरा तो कुछ ऐसा ही है। और आप भी अगर सिलाई का काम करते हैं तो आप भी इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि गलतियाँ तो सभी से होती हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जिससे गलतियाँ नहीं होती हैं। पर उन गलतियों को हमें ध्यान रखना चाहिए, उन गलतियों से हमें सीख लेनी चाहिए, जिससे कि वो गलतियाँ दोबारा ना हो। किस रीज़न से गलती हुई या क्या हमारी गलती हुई, कौन सी वो वजह है, वो वजह को हमें ध्यान रखना पड़ता है। और सिलाई का काम तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना होता है, क्योंकि एक जरा सी कैंची हमारी गलत चल गई या हमारा एक निशान भी अगर गलत हो गया तो पूरी हमारी फिटिंग जो है वो बिगड़ जाती है, और सारी मेहनत पे हमारे पानी फिर जाता है। और कोई भी हम पे भरोसा करके ही अपने कपड़े देके जाते हैं, और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके भरोसे को कायम रखें, तभी तो वो दोबारा से हमारे पास आएंगे। अगर एक बार ही हमने उसके काम को ख़राब कर दिया तो फिर वो विश्वास, वो भरोसा हम कभी नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए इन बातों को ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, मैं तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखती हूँ। और यहाँ पर देखिए काम करते करते टाइम इतना हो गया कि पता ही नहीं लगा कितना टाइम हो गया। और ये देखिए ब्लाउज़ की कटिंग भी यहाँ पर हो चुकी है, और मुझे अब आ रहा है आलस यहाँ पर। और मैं नंदिनी से बोल रही हूँ बेटा चाय बना लो, तो वो सुन नहीं रही है, और उसको मन होता है तो एक बार में बना लेती है। और मुझे इस टाइम पे जब काम करती हूँ तो मुझे ये लगता है कि बस वो मुझे चाय बना के दे दे। 3 से 4 जब बजते हैं तो मेरे चाय के अलार्म की घंटी बज जाती है। अब देखिए यहाँ पर ब्लाउज़ की मेरी कटिंग हो गई है, और पीछे मैंने ये ब्लाउज़ लगा रखा है, ये देखिए हैंगर में इतनी देर से इसी तरह से हिले जा रहा है, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया है, क्योंकि हैंगर में लगाओ और कपड़े जब फिटिंग के नहीं होते हैं तो वो इसी तरह से झूलते रहते हैं। हमारी इस तरह से कटिंग हो गई है, और कटिंग होने के बाद में मैं दोनों पार्ट को अलग कर ले रही हूँ। एक पार्ट को मैं अलग हटा के रख दे रही हूँ, और जो एक पार्ट रह गया हमारा बैक पार्ट का, उसका गला हमें यहाँ पर अस्तर को रखते हुए इस तरह से सेट करना है, और डीप नेक की कटिंग करनी है। यहाँ चल रही हैं बातें चाय की, और चाय के साथ साथ मैं भी बोल रही हूँ कि चाय बना के ले आओ, थोड़ी सी कुछ बातें चल रही हैं। और इसी तरह से देखिए मैंने यहाँ पर गले की यहाँ पर कटिंग भी कर दी है बैक पार्ट की। आप लोग दिन में क्या करते हैं, क्या अपने लिए कुछ टाइम निकालते हैं या नहीं निकालते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। या आप सिलाई करते हैं तो आप सिलाई किस टाइम करते हैं, दोपहर में करते हैं या शाम के टाइम पर करते हैं? तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ, अब तो मेरा ये रूटीन बन गया है। पहले मेरा यह था कि मैं दोपहर में करती थी 2 बजे के बाद में, लेकिन अब तो जब मैंने बुटीक स्टार्ट किया है तब से मैं दोपहर से लगभग 11 बजे फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद में अपना काम शुरू कर देती हूँ। और ये देखिए ब्लाउज़ हमारे यहाँ पर कटिंग हो गया है, और मैं कटिंग करूँगी यहाँ पर स्लीव की।
इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड किया, उसके बाद में फोर फोल्ड में इस तरह से रख लिया है। पद वाली साइड मेरी साइड है और खुली वाली साइड पीछे की साइड है। इस तरह से हम निशान लगाएंगे यहाँ पर लेंथ का। लेंथ के बाद में यहाँ पर लेंगे हम मार्जिन, जितना हमें सिलाई मार्जिन चाहिए, और उतना मार्क करते हुए यहाँ पर हम उसका फोर्थ पार्ट ले लेंगे। और इस तरह से 3 इंच का मार्क लगाएंगे। यहाँ पर आर्म होल का हम शेप दे देंगे स्लिप का, और उसी मार्किंग पे इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप नए नए डिज़ाइन के नए नए कटिंग और स्टिचिंग का जो वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे दूसरे चैनल ममता बुटीक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं कटिंग से रिलेटेड और सिलाई से जुड़ी हुई वीडियो डालती रहती हूँ। और फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो आप मुझे बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए ब्लाउज की हमारी कटिंग हो चुकी है, इसको मैं रखती हूँ एक साइड। और अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर कौन सी कटिंग करनी है। लाइट यहाँ जा चुकी है और चाय हमारी आ चुकी है, नमकीन लेके आ गई है बना के, और गर्मी हो गई बहुत सारी। और यहाँ पर आ गई हमारी नमकीन, और मम्मी चली गई, मम्मी को लग रही थी गर्मी, तो मम्मी के इधर रूम रख रहा है, तो वहाँ जाके वो लेट गई, तो हमने उनको उठाया नहीं। हमने कहा चलो जब आएंगी तब वो पी लेंगी। तो अभी तो हम लोग यहाँ पर चाय और नमकीन ले रहे हैं। देखिए मैं बोल रही हूँ नन्नी से, तुम भी ले लो। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर चाय पीते हैं, फिर मैं करूँगी यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट, उसके बाद मैं कटिंग करूँगी जो रह गई है। तो बैठे बैठे बिल्कुल मेरी कमर में दर्द होने लगा, पैरों में दर्द होने लगा, और मैं यहाँ पर कम से कम 10 से 15 मिनट तक मैंने यहाँ पर आराम से धीरे धीरे करके चाय पी, नमकीन खाई, और पैरों को थोड़ा सा आराम देने के बाद में फिर मैंने बाद में जो कपड़े रह गए थे उनकी कटिंग की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल के नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप लोग चाय किस टाइम पीते हैं आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा तो यह है कि मुझे 4 बजे चाय की बहुत ज़्यादा तलब लगती है, बहुत ज़्यादा मेरा मन करता है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आराम से बैठ के मैं यहाँ पर रेस्ट के साथ में चाय पी रही हूँ। और यहाँ पर आ गई अब लाइट, तो नंदिनी फैन ऑन कर रही हैं, और थोड़ी देर अब पंखा जब चल गया तो थोड़ा सा गर्मी से राहत भी मिल जाती है, क्योंकि गर्मी इस टाइम बहुत हो रही है, और दोपहर के टाइम तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो नमकीन हमारी यहाँ पर फिनिश हो गई है, चाय नमकीन हमने खा ली है। अब देखिए कितने आराम से मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं तो मेरे यहाँ थोड़ी सी जगह कम है, तो मुझे थोड़ा सा जगह का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा उस तरह से बैठना पड़ता है कि मुझे कटिंग करने के लिए प्रॉपर जगह मिल पाए, और इस वजह से मेरे पैर जो हैं वो अकड़ जाते हैं बैठे बैठे। तो मुझे 2 से 2.5 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर हो गए कटिंग करते करते, और मैंने यहाँ पर आराम से 10 से 15-20 मिनट मैंने यहाँ पर रेस्ट किया, जिससे कि जो थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स मेरी हो जाए। उसके बाद में फिर मैंने अपना जो काम रह गया था उसको निकाला, देखा कि अब मुझे क्या करना है कटिंग और क्या नहीं करना है, वो सारा मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ कि अब मुझे कौन से कपड़े कटिंग करने हैं, कौन से कटिंग नहीं करने हैं, इनको सारों को मैं यहाँ पर चेक कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 ब्लाउज इस तरह से कट कर लिए हैं, और कट करने के बाद में जो रह गए हैं वो मैं बाद में कटिंग करूँगी। ये देखिए सबको मैं सेट कर ले रही हूँ, और जो मेरे कटिंग हो चुके हैं उनको एक साइड रख रही हूँ, और जो कटिंग नहीं हुए हैं उनको भी मैं एक साइड रख ले रही हूँ। तो कटिंग के साथ साथ जो हमारे रह गए हैं उसको मैं अलग अलग करके रख ले रही हूँ, जिससे कि मुझे दिक्कत ना हो, और जब मैं कटिंग करने बैठूँ तो सारे कपड़े नंबर वाइज डेट टू डेट हम वहाँ पर उनको स्टिच करके तैयार कर सकें, जबकि कस्टमर लेने आए तो उससे पहले उनको तैयार मिल जाए। अब ये देखिए नेक्स्ट ब्लाउज है, इसके भी मैं यहाँ पर मेजरमेंट ले ले रही हूँ, और डायरी में इसको नोट डाउन कर ले रही हूँ हैंड टू हैंड। और मेरा यहाँ पर पेन खो गया और इंची टेप हो गया। अक्सर मैं जब सिलाई करती हूँ तो मेरा पेन और इंची टेप और कैंची, ये 3 चीज़ें खो जाती हैं, और फिर मैं उन्हीं कपड़ों में उसको ढूंढती रहती हूँ। फिर मैं नंदिनी से बोलती हूँ क्या तुमने कहीं रखी है या मैंने ही कहीं रख दी है, और वो मिलती मेरे पास ही है। तो इस तरह से मेरा सिलाई का पूरा ब्लॉग यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरे इसको नोट कर लिया है, और ये ब्लाउज़ मेरा पंखा चलने के साथ साथ आप फिर से देख सकते हैं हैंगर कैसे हिल रहे हैं, क्योंकि हैंगर पे लगाने के बाद में ब्लाउज़ इसी तरह से रहते हैं, हम चाहे उनको कितना भी ज़्यादा सेट कर लें लेकिन वो ऐसे ही रहते हैं। और मैंने इन पर ध्यान दिया ही नहीं, जब मैंने वीडियो देखा तब मैं इनको देख रही हूँ, तो मैं इनको निकाल के रख रही हूँ, और नन्नी से बोल रही हूँ कि क्या नाम है इनको एक साइड रखो। तो मैंने इनको कुर्सी पर इस तरह से रख दिया है,
और उसके बाद में जो ब्लाउज़ है इसकी मैं यहाँ पर नाप नोट कर ले रही हूँ, और इस ब्लाउज़ को मैं सिर्फ नाप नोट करके रखूँगी, कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि पूरा दिन हो गया, मुझे थकान लग रही है। और उसके बाद में जितने भी कपड़े मैंने कट करके रखे हैं उनको मैं एक साइड रखूँगी, और जो बिना कटे हुए हैं उनको एक साइड करके सेट करके रख दूँगी, और थोड़ी देर करूँगी मैं रेस्ट। तो पूरा दिन आज मेरा इसी तरह से बिजी शेड्यूल में कटिंग में निकल गया है, बाकी कोई काम नहीं किया है। सुबह सुबह से लग के शाम तक मेरा पूरा इस तरह से हो गया, और लगभग यहाँ पर बज गए हैं 4:30, और मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल के नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी के इतने सारे प्यार के लिए थैंक यू।